हमने पिछले पाठ में देखा कि माइक अपने पहले दिन क्लास करने के लिए स्कूल में जाता है, जहां पर उसे एक नाइट नाम के टीचर वहां के सभी मॉन्स्टरों की क्लास ले रहे होते हैं, जिस दौरान वह सभी उन मॉन्स्टर बच्चों को एक स्केयरिंग मॉन्स्टर बनाने का मोटिवेट कर रहे होते हैं। तभी सभी को जोर जोर से तरह तरह का एक अच्छे सा मॉन्स्टर बनने का तरीका सिखाने लगते हैं। इसके बाद हम उस यूनिवर्सिटी को डेन एजवेल को देखते हैं, जो कि सभी बच्चों को मोटिवेट करने वहां आई होती है। लेकिन वह इस दौरान उन सभी बच्चों को बताती है कि अगर वह लोग किसी के भी अंदर मॉन्स्टर जैसा क्वालिटी नहीं है तो वह अभी से भी यहां से जा सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह इस यूनिवर्सिटी में डरपोक और बिना काम का यहां पर रहे, ताकि इस यूनिवर्सिटी का बेइज्जती हो सके। और वह सभी बच्चों को बहुत बुरी तरह से डरा देती है और वह कहती है कि जो भी बच्चा पहले क्लासमेटर को क्लियर करेगा वह यहां पर आगे पढ़ेगा। हर एक मास्टर बुरी तरह से डरा हुए थे और वह किसी न किसी तरह से एक अच्छा और खूंखार मास्टर बनने को सोचते हैं। डीन के जाने के बाद प्रोफेसर नाइट वहां के सभी बच्चों को फिर से पढ़ाने लगते हैं। इस बीच हम माइक को देखते हैं, जो प्रोफेसर नाइट के हर एक सवाल का अच्छे से जवाब दे रहा होता है। यहां हमें यह पता चलता है कि माइक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और एक्सीलेंट है। तभी हम वहां पर एक जेम्स नाम के बहुत बड़े दूसरे मास्टर को देखते हैं। दरअसल जेम्स के फादर और ग्रैंडफादर इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन लाए थे और वह एक खूंखार मास्टर बने थे, जिन्होंने बहुत नाम कमाया था। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, जो अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा होता है, क्योंकि उसे इस केमेस्टर में बहुत ही अच्छा नंबर लाने हैं ताकि वह इस यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए वह टाइम टेबल सेट करने लगता है। इस दौरान जेम्स वहां पर आ जाता है, क्योंकि उसका एक छोटा सा पिग बेबी जो उसके लिए खिलौना था वह माइक के रूम में घुस गया होता है। वह उसे पकड़ने के लिए माइक के रूम में आया होता है। माइक यह सब देखकर जेम्स को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके पढ़ाई में कोई हलचल मचाए और खलल डाले। तब जेम्स अपने उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस दौरान जेम्स का वह मॉन्स्टर माइक का टोपी उठाकर वहां से भाग जाता है। इस कारण जेम्स और माइक उस छोटे से मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वह दोनों उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए यूनिवर्सिटी में इधर उधर भागने लगते हैं, जहां पर सारे मॉन्स्टर मौजूद थे। इस दौरान इस तफरा तफरी को देखकर वहां सारे बड़े मॉन्स्टर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वह मॉन्स्टर को जेम्स पकड़ लेता है, जिस कारण वहां मौजूद सारे मॉन्स्टर जेम्स को एग्रीसेट करने को कह देते हैं। हालांकि उस छोटे मॉन्स्टर को पकड़ने में माइक ने भी बहुत ज्यादा मदद की थी, लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं चलती। अब माइक जेम्स को और उसके टीम से नफरत करने लगता है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, जो अपने पूरे प्रोफेसर में लगा होता है। अब माइक के साथ आगे क्या होगा यह जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। पार्ट 3।